हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल नीड संजीवनी दिस इज ऋतिक छाबडा एयर होप यू ऑल आर फाइन एंड टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस टू सेव गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम दिस कोविड पेंडेमिक यू हैव टू टेक एट मोस्ट केयर बिकॉज दिस इज अबाउट योर फ्यूचर आपकी तबीयत खराब होती है आपको कोई दिक्कत लगती है तो इट विल अफेक्ट योर स्टडीज इट विल अफेक्ट योर ड्रीम इट विल अफेक्ट योर फ्यूचर सो so, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा क्योंकि नीट का एग्ज़ाम होगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों एग्ज़ाम तो नीट का होना है तो आप पूरी तैयारी में रहिए तो आज हम आपके लिए लाए हैं एन सी आर टी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ हमारी यूनिट चल रही है रिप्रोडक्शन और उसका आज हम फोर्थ और आखिरी चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ आज हम उसके एन सी आर टी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं येस यर इज आर चैप्टर नंबर फोर रिप्रोडक्टिव हेल्थ यू विल बी गिवन टेन सेकेंड्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा द मैथड टू ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अस पम्प इन टू ओ ओवम इज असिस्टेड बाय रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कॉल्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ Yes, your time's up. It is very simple question. The process, the method of directly injecting sperm into ovum is ICSI, that is intracytoplasmic sperm injection. So first ka C part is the correct answer. Moving on to next question. Question number two is increased IMR yani ki infant mortality rate and decreased MMR yani ki maternal mortality rate in a population will. And your time starts now. यस योर टाइम्स अप सो कह रहे हैं क्वेश्चन में इंक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि इन्फेंट्स की मोर्टेलिटी इंक्रीज हो रही है और मेटर्नल मोर्टेलिटी डिक्रीज हो रही है तो बताइए पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आई थिंक देर विल बी नो इफेक्ट सो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट यस दिस इज दी करेक्ट आंसर सेकेंड का सी पार्ट इट विल नॉट कॉज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट Because infant mortality rate increases infant ka jo death rate hai wo increase or maternal mortality rate wo decrease. Ho gaya. So overall there will be no effect in a population. So second ka C part is the correct answer. Moving on to next question. Question number three is intensely lactating mothers do not generally conceive due to the and your time starts now. येस योर टाइम्स अप सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर इंटेंसली लेक्टेटिंग मदरस डो नॉट जनरली कन्सीव ड्यू टू द जब लैक्टेशन चल रहा होता है मदर्स में तो उस टाइम पे प्रोजेस्टरॉन हार्मोन अपने पीक पर रहता है तो उस टाइम पे गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं वो सप्रेस रहते हैं जिस वजह से दे डू नॉट जनरली कंसीव बिकॉज इट इट जनरली डू नॉट रिजल्ट इन प्रेगनेंसी सो थर्ड का ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स Next question. Fourth, sterilization techniques are generally foolproof methods of contraception with least side effects. Yet, this is the last option for the couples because it is almost irreversible. Of the misconception that it will reduce sexual urge or drive, it is a surgical procedure of lack of sufficient facilities in many parts of the country. And your time starts now. येस योर टाइम्स अप सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर ये कह रहे हैं कि स्टर्लाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली फुल प्रूफ मैथर्स ऑफ कॉन्टरसेप्शन विद लीज साइड इफेक्ट्स येट दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल बिकॉज वाई सो हमें उसके लिए ऑप्शन चूज करने इट इज़ ऑलमोस्ट इवर्सिबल येस इट इज़ ऑलमोस्ट इवर्सिबल बिकॉज ऑफ द मिसकनसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस एक्जुअल ड्राइव येस दिस इज द बिगेस्ट मिसकनसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस एक्जुअल ड्राइव बट इट इज़ नॉट सो And third option, it is a surgical procedure. Yes, it is a surgical procedure because of lack of sufficient facilities. Yes, this is the biggest reason because of lack of sufficient facilities in many parts of the country. So I think all of them are correct. The fourth car, D part, yes. Fourth car, D part is the correct answer. So moving on to next question. Question number fifth is a national level approach to build up a reproductively healthy society was taken up in our country in. And your time starts now. येस योर टाइम्स अप सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है इसका नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी वॉज टेकन अप इन हर कंट्री इन नाइनटीन फिफ्टीज आपने एनसीआर टी में भी पढ़ी होगी ये बात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव आर अफेक्टिव इफ यूज विद इन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ yes your time's up so emergency contraceptives are effective as you all know within the 72 hours of coitus so sixth ka a part is the correct answer moving on to seventh question choose the right one among the statements given below and your time starts now yes time's up सो राइट चूज करना हमें स्टेटमेंट इन समय से आई ओडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हर सैफ आई ओडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूटरस इट्स अप्रेस केमिटोजेनेसिस इट वीड नॉट नई तो सेवंथ का बी पार्ट इज द राइट स्टेटमेंट तो आई ओडीज इंक्रीजो फेगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूटरस दिस इज द करेक्ट सेवंथ का बी पार्ट इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर एट इज फॉलोइंग स्टमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एम टी पी यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो First statement is MTPs are generally advised during first trimester second is MTPs are used as contraceptive method third MTPs are always surgical and fourth MTPs require the assistance of qualified medical personnel and your time starts now Yes your time's up So MTPs are generally advised during first trimester yes this is correct MTPs are used as contraceptive. No, this is false. MTPs are always surgical. No, not always surgical. MTPs require the assistance of qualified medical personnel. Yes, of course. You have to assist any qualified medical personnel for any of your disease. It will be of very good importance because uh, these quacks just do harm to your body. Nothing else. So, 8th ka. फर्स्ट है हमारा और फोर्थ फर्स्ट और फोर्थ किसमें एट्थ का सी पार्ट यस yes, एट्थ का सी पार्ट इज दी करेक्ट आंसर सो मूविंग ऑन टू नाइन्थ क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज मैंशन बिलो यू हैव टू आइडेंटिफाई द वन व्हिच डजेंट स्पेसिफिकली इफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ Yes, your time is over. सो सेक्जुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज विच डजेंट अफेक्ट सेक्स ऑर्गन तो एड्स आप सब लोग जानते हैं वो सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता बाकी जो साइफिलिज गोनरोई जिनाइटल वार्ड्स हैं ये सब अफेक्ट करती हैं सेक्स ऑर्गन्स को भी तो so, नाइंथ का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉन्डिम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजनज एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट सो यो टाइम स्टार्ट नाउ Yes, your time's up. So these are effective barriers for insemination. Yes, true. They do not interfere with the coital Yes, these help in reducing the risk of STDs. Yes. So all of the above are correct. So tenth ka D part is the correct answer. And moving to eleventh question, you have to choose the correct statement regarding the ZIFT procedure, i. e. Zygote intrafallopian transfer. And your time starts now. यस योर टाइम्स अप सो लेट्स चेक दी करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेड आई एफ टी ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब टू जाइगोट फॉर्मेशन नो ओवा नहीं कलेक्ट करते हैं जाइगोट ही कलेक्ट करते हैं तो बी पार्ट पढ़ते हैं जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब येस दिस इज द करेक्ट आंसर सो इलेवेंथ का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड इज एंड योर टाइम नाउ yes time's up so correct surgical procedure in the below options is vasectomy which is done in males a part of vas vas is tied or cut so it will be the correct surgical procedure so 12th ka c part is the correct answer 13th and the last question for today diaphragms are contraceptive devices used by females you have to choose the correct option from the statements given below they are introduced into the uterus they are placed to cover the cervical region they act as physical barriers for sperm entry or they act as permissible agents and your time starts now yes your time's up so they are introduced into the uterus no टाइफ रेगम्स आर नॉट इंट्रोड्यूस इन टू द यूटरस दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन सो सेकेंड पार्ट इज करेक्ट दैट एज फिजिकल बैरियर्स फॉर स्पर्म एंट्री येस ऑफकोर्स देट एज परमसीजेंट्स नो सो थर्टींथ का सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट तो यानी कि थर्टींथ का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर सो दीज आर द्वेश्चन्स फॉर टूडे सो so गाइज इसी के साथ हमारी रिप्रोडक्शन यूनिट जो कि क्लास ट्वेल्थ की फ़र्स्ट यूनिट थी वो फिनिश होती है अब फिर से इलेवंथ की एक यूनिट पर आते हैं पहले हम सेल यूनिट कवर कर चुके हैं इलेवंथ की अब ट्वेल्थ की रिप्रोडक्शन यूनिट हो गई है फिर से इलेवंथ की कोई यूनिट शुरू करते हैं तो आप सबसे एक क्वेश्चन रहेगा कि प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करना चाहेंगे या ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो आप कमेंट कर सकते हैं वरना तो कल से शुरू हो ही जाएगी कोई भी यूनिट अगर आपकी कोई डिमांड होगी तो उसके हिसाब से शुरू कर देंगे वरना शुरू तो करनी है यूनिट कंटिन्यू रहेगी ये एन सी आर टी एग्जाम्पलर जो प्रॉब्लम्स की सीरीज़ चल रही है ये कंटिन्यू चलेगी खासकर बायोलॉजी में बाकी केमिस्ट्री फिज़िक्स के लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरा सो so आप लोग देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए अपने कॉन्सेप्ट्स बढ़ाते रहिए आज हमारे थे थर्टीन क्वेश्चन तो यानी कितने मार्क्स बैठे हमारे थर्टीन और फोर के हिसाब से बैठ गए हमारे फोर्टी टू मार्क्स आई थिंक फिफ्टी टू मार्क्स सॉरी सो फिफ्टी टू में से आप आई थिंक आज ईजिली फोर्टी फाइव प्लस स्कोर कर गए होंगे सो so, आज के लिए इतना ही था थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय